आपके पास ये अर्थ है, ठीक है, ध्यान से देखना प्लीज, ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है। अगर मैं ये कहूं कि मास कैपिटल एम है, पॉइंट मास स्मॉल एम है, अर्थ इस पॉइंट मास को अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, सेंटर की तरफ, मानते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंटर की तरफ है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहां पर है, टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है। उसी तरीके से अगर फोर्स टुवर्ड्स सेंटर है तो ई की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स सेंटर ही है, अर्थ सेंटर की तरफ खींचती है तो फोर्स भी, ई भी, जी भी, सब सेंटर है। क्लियर है यहां तक? पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला है, मैंने बताया था, सॉल्व करके मान लो आंसर माइनस 10 जूल आता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती जा रही है, इंक्रीज, चेक कर लो पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जाने में क्या हो रही है, इंक्रीज, ठीक है। और अगर मैं ये बोलूं ऊपर से नीचे आना है तो क्या मैं बोल सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नीचे आते हुए क्या हो रही है, डिक्रीज, राइट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन में मूव करें, ग्रेविटेशनल फील्ड कहां है, नीचे, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड कभी बढ़ती नहीं है, उल्टा क्या होती है, कम होती है। तो एक स्टेटमेंट है, एज वी मूव इन द डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, एज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब नीचे, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, तो एनर्जी क्या होगी, कम, एंड पोटेंशियल भी क्या होगा, कम, भाई एनर्जी कम हो रही है पोटेंशियल भी कम ही होगा। क्या ये स्टेटमेंट याद रहेगी, इसको नेक्स्ट टाइम यूज करना है हमने, इसकी बेसिस न्यूमेरिकल करना है।